रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैंने विशाल को प्रियंका से बात करते हुए सुना है फोन पे। मुझे तो लगता है कुछ चक्कर चल रहा है उन लोगों का। अब हमें शादी का फैसला कर लेना चाहिए। तुम्हारे विशाल भैया तो मुझे कुछ समझते ही नहीं है, एक घटिया इंसान समझते हैं। उस लड़के ने भाटिया खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछाला और मैं उसको उसका बूतोर जवाब देना चाहता हूँ। तुम अपनी तनख्वाह से मेरे कुत्ते भी नहीं संभाल सकते, मेरी बहन को क्या संभालोगे? आप सिर्फ मुझे इस कंपनी से निकाल सकते हैं, अनिशा की जिंदगी से नहीं। क्यों वो तुम्हारे बिजनेस को खत्म करने की बात कर रहा है और तुम उसे इधर आबादी की दुआएं दे रही हो? अचानक लोगों ने अपनी कंपनी का शेयर बेच दिया है सर, जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है। उन्हें हार्ट अटैक हो गया है। हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। 21 दिन का उपवास रखूंगी मैं, उद्यापन भी करूंगी। माता रानी, मेरे भाई की रक्षा करना। इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए ना फिर। वैसे भी घर में क्या कम टेंशन है, अनिशा और विशाल ने परेशान करके रखा है और ऊपर से बिजनेस में इतना बड़ा लॉस। अंकल, अंकल, डैडी की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि अभी वो कुछ नहीं कह सकते, कंडीशन इज वेरी सीरियस। बुआ जी प्लीज शांत हो जाइए। क्यों चिंता करती है, हम सब है ना। अभी तक अनिशा और विशाल भी नहीं आए। मैम जी प्लीज आ जाएंगे। उसे उनकी परवाह नहीं है। राकेश, अंकल, डैडी की तबीयत कैसी है? अच्छा, ये तो पूछ रहा है। हाँ, तुम्हें अगर उनकी जरा भी परवाह होती तो हमें ये दिन देखने नहीं मिलते। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने हमारे साथ। अरे, तेरी झूठ की वजह से हमें आज ये दिन देखने पड़ रहे। वो तुम्हारे झूठ का सदमा नहीं बर्दाश्त कर सके और आज पूछने आ गया, माँ डैडी कैसे? क्या कह रही हो माँ? माँ, डैडी की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। मैं वहां, क्या मैं चाहूंगा कि डैडी समझाओ ना मां को, ये इस लायक भी नहीं रहा कि मेरी बात पर कोई यकीन कर सके। ये मुझे समझाएगी, ये मुझे समझाएगी? अरे, तूने हम सबको धोखा दिया है। आज इस घर में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो प्रियंका की बद्दुआ की वजह से हो रहा है, जो उसके दिल से अपने आप निकल रही है। गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गविंद्राधिरूढ़म गुणातीतरूपम भवं भास्वरं पस्मनाभूषितांगं भवानी कलंत्रं भजे पंचवत्रं।
नमस्ते नमस्ते विभोमस्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञानगम्य। हे भगवान, मेरा विश्वास अटूट है, आपकी चौखट से मैं कभी खाली हाथ नहीं गई हूं। मेरी मनोकामनाएं आपने हमेशा पूरी की है। मेरे अपनों का दुख दर्द मुझे दे दीजिए भगवान, लेकिन उन पर आज भी नहीं आनी चाहिए। याला बेटी, शिवजी का प्रसाद, शिवजी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें। ऋतु, मैंने आज तक भगवान के सामने जो कुछ भी मांगा है हमेशा पूरा हुआ है। मेरी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं गई है। मुझे आज भी पूरा विश्वास है मेरी मनोकामना पूरी होगी। ऋतु, ये लो, मेरी तरफ से रघुराज जी को टीका लगा देना और उनके पैर पड़ के आशीर्वाद ले लेना। अब तुम जाओ। ठीक है। आओ। देखो कमल, मैं तुम्हें खासकर माँ से मिलवाने लाई हूँ। अगर तुमने माँ का दिल जीत लिया तो समझो विशाल भैया भी हमें अलग नहीं कर सकते। तुम फिक्र मत करो अनिशा, तुम्हारे सारे परिवार का दिल नहीं जीत लिया तो मेरा नाम कमल नहीं पता है। चलो चलो। क्या देख रहे हो? वाह अनिशा, तुम्हारा घर तो वाकई बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। पिंच में अनिशा, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस जन्नत के दर्शन। मैं तो अपनी कुंडली मारकर यही रहना चाहता हूँ। अच्छा अनिशा, तुम्हें देखकर तो मैं दीवाना हो गया था, लेकिन ये सब देखकर तो मैं पागल हो गया। अनिशा आंटी कहाँ है? मैं अभी उनसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, मैं मम्मी को बुलाती हूँ। घर में इस समय कोई नहीं है, सब लोग हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल क्यों? मामा जी को दिल का दौरा पड़ा इसलिए। क्या? कैसे? कंपनी में अचानक करोड़ों का नुकसान हुआ है, इस वजह से मामा जी को सदमा पहुंचा है। मैं तुम्हें मम्मी से बाद में मिलवाऊंगी, पहले मुझे डैडी को देखने हॉस्पिटल जाना है। अनिशा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं कमल, ये मेरा फैमिली मैटर है। और तुम? अनिशा, क्या मेरा इस खानदान से कोई रिश्ता नहीं, इस कंपनी से कोई नाता नहीं? मैंने बरसों इस कंपनी में काम किया है, अपना पसीना बहा है। अनिशा, मैं इस हालत से निकलने के सारे रास्ते जानता हूँ। जब मैं इस खानदान की खुशियों का हिस्सेदार बनना चाहता हूं तो मुझे दर्द बांटने का भी मौका दो। मैं जानता हूं कि विशाल भैया मुझे गलत समझते हैं, लेकिन एक दिन मैं उन्हें अपनी सही पहचान बता दूंगा। अनिशा, फिलहाल हमें तुम्हारे पिताजी की अच्छी सेहत की प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ कमल। अब वो वक्त आ गया है, आखिर मेरी बरसों की ईमानदारी एक बेईमानी के इंतजार के लिए तो थी। पापा, अंकल कैसे हैं आप? डॉक्टर ने अभी अभी बताया है वो खतरे से बाहर है। थैंक गॉड। मैं आंटी से मिलूं? नमस्ते आंटी। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मैं मंदिर गई थी। दरअसल प्रियंका ही मुझे मंदिर लेकर गई थी जी। अंकल की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करने के लिए गई थी आंटी। उसने ये प्रसाद और टीका भेजा है। उसने कहा है कि माँ से कहना पापा को ये टीका जरूर लगाएं, इससे उनकी सेहत में जरूर सुधार होगा।
आंटी, मैं अंकल से मिल सकती हूँ? हाँ जरूर, आओ बेटी। अरे प्लीज आप लोग बाहर जाइए। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज, मैं भगवान का प्रसाद लाई हूँ, ये टीका अंकल को लगाना बहुत जरूरी है। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज। वेल, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा। जी, ही नीड्स रेस्ट। थैंक यू। मुझे अपनी सहेली प्रियंका पर गर्व है। नरेन बता रहा था कि कंपनी में करोड़ों के नुकसान की वजह से डैडी को हार्ट अटैक हुआ है। हाँ निशा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पता नहीं भरपाई कैसे होगी। भैया, इन मुश्किलों से निकलने का मेरे पास एक रास्ता है। ये कंपनी मैं चलाता हूँ अनीशा, अगर मैं इसका हल नहीं ढूंढ पाया तो तू क्या करेगी? लेकिन भैया मैं, एक मिनट भैया, मैं डैडी से मिलकर आती हूँ। ठीक है विशाल, मैं प्रियंका। जानता, तुम तो एक मंजी हुई कलाकार निकली, मंदिर का प्रसाद, टीका, मन्नतें, तुमने तो अपने नाटक में भगवान को भी शामिल कर लिया है। तुम मेरे माँ बाप को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो प्रियंका, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारा मकसद जो भी हो, तुम उस मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। विशाल, मेरा मकसद पापा की तबीयत ठीक होने से था और कुछ नहीं, और तुम मुझसे कह रहे हो कि झूठ बोलती हो। तुम झूठ बोलती हो। देखो, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारी बद्दुआएं भी प्रार्थना और मन्नतों के लिबास में होती हैं। देखो प्रियंका, तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, उन्हें अपने जाल में फंसा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। अगर तुम्हें मेरे खानदान से क्या दुश्मनी है, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? तुम जो हमारे साथ कर रही हो वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। और देखो, आखिर से मुझे कभी फोन मत करना। हाँ सोलंकी साहब, पेपर्स रेडी हैं। बेटी प्रियंका, मैं थारो बरसों पुराणों जो हो रही हूं, इसी कारण मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रही हूं कि तुमने अच्छी तरह तो सोच लियो है कि तुम क्या कर रही हो? मैं हर कदम सोच समझ कर और सही ढंग से उठाती हूं। बेटी कसम धंधे की, मैं झूठ कोनी बोलूं, पहले तुमने जो बोला बेचो और अब यो ढेर सारो जेवर बेच रही हो, मने यो थारो कदम कोई अच्छो कोनी लागे। सोलंकी जी, इन बेजान चीजों की कीमत आपके लिए बहुत होगी,
लेकिन ये मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखते। मेरे लिए मेरा प्यार, मेरे लोग ही सब कुछ है। वक्त आने पर मैं इनके लिए कुर्बान भी हो सकती हूँ। तो फिर ये मकान और जेवर क्या चीज है? हाँ, मुझे पता है, मुझे ठीक तरह से पता है कि आजकल भाटिया कंपनी कई तरह की कानूनी जवाबदेही का सामना कर रही है। अब चिंता मत कीजिए, आखिर उनकी भी इतने साल की अपनी पुरानी रेपुटेशन भी तो है। ठीक। हेलो अंकल। हेलो बेटी, आओ आओ। अंकल, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, इसलिए प्लीज आप मत मेरी बात डालिए। बेटी, बात क्या है, कहो तो सही। ये मेरे पैसों के ट्रांसफर पेपर्स हैं, इनका इस्तेमाल करके भाटिया कंपनी को बचा दीजिए। क्या? मैं अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को बिखरता नहीं देख सकती। अरे बेटी, उनपे तो करोड़ों का कर्ज है और तुम इतनी बड़ी रकम। आज के युग में तो एक रिश्तेदार भी दूसरे की मदद नहीं करता और तुम अपने करोड़ों दांव पे लगा रही हो। परिवार की खुशियों के आगे दुनिया की कोई दौलत नहीं है और मैं तो उस घर की बहू समझकर ये कर्ज अदा कर रही हूँ। ठीक है बेटी, तुम्हारी भावनाओं के सामने मेरा कुछ भी कहना बेकार है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अंकल, एक और बात, आप किसी को ये जाहिर होने नहीं देंगे कि मैंने ये मदद की है? अंकल, अगर बुरा वक्त तो कभी भी किसी पे भी आ सकता है। मैं नसीब की पूरी कीमत जानती हूँ क्योंकि मैंने बदनसीबी को बहुत करीब से देखा है। भैया तुम्हारी बात मान जाएंगे ना? तुम फिक्र मत करो अनिशा, मेरे पास तुम्हारे भैया को पटाने के 1000 तरीके हैं। फिर भी कमल, मुझे डर लग रहा है कहीं भैया तुम्हें यहाँ देखकर नाराज ना हो जाए। तुम? भैया, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भूल गए मैंने किस तरह तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हें इस ऑफिस से बाहर निकाला था? कितने बेशर्म हो तुम कि जिस जगह तुम्हारी बेइज्जती हुई तुम्हें धुतकारा गया वहां फिर से मुंह उठाए चले आए। दरअसल मैं खुद नहीं आया हूं, अनिशा मुझे यहां लाई और आप मुझे यहां से बाहर निकालना चाहते हैं जबकि मैं आपको करोड़ों के नुकसान से बाहर निकालना चाहता हूं। तुम इस कंपनी को करोड़ों के लॉस से बाहर निकालोगे? अगर मैंने तुम्हें इस कंपनी से वक्त पर बाहर नहीं निकाला होता ना, तो अब तक हमें लाखों का नुकसान हो गया होता, मुनाफा तो बहुत टूट चुका। रिलैक्स, रिलैक्स, ये वक्त एक्साइटेड होने का नहीं, ठंडे दिमाग से सोचने का है। और आप मुझे इसलिए अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं क्योंकि यहां रहकर मैंने आपकी गालियां खाई हैं। दरअसल विशाल साहब, मैं गिव एंड टेक पॉलिसी पर यकीन करता हूं। मेरा मतलब है कि मेरे पास कई रास्ते हैं जिससे आपकी इस कंपनी को करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसके बदले में 20% की हिस्सेदारी चाहता हूं। और वैसे भी शादी के बाद तो मैं हिस्सेदार बन ही जाऊंगा। देखो कमल, मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं, अगर अनिशा नहीं होती ना तो इस कंपनी में क्या, मैं तुम्हें उठाकर शहर से बाहर फेंकवा देता हूं। ठीक है, मैं चला जाता हूं। जब आपको या आपके परिवार की फिक्र नहीं तो फिर मैं कौन हूं? नो वन। हेलो। हेलो विशाल, मैं गोविंद बोल रहा हूं। हाँ बोलिए गोविंद अंकल।
भाई एक बहुत अच्छी खबर है। मैंने अपने क्लाइंट से बात की है और वो कंपनी की इस हालत के बावजूद भी कंपनी में हैवी इन्वेस्टमेंट करने को राजी है। इतना इन्वेस्टमेंट जो कंपनी की हालत भी सुधार देगा और भाटिया खानदान की इज्जत पर भी कोई आंच नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच अंकल। लेकिन ये क्लाइंट है कौन? खैर वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। थैंक यू प्रियंका। लीजिए। मेरी वजह से तुम लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। जय मैं यहां इस तरह मुझे अपने घर और अपनी कंपनी की बहुत चिंता हो रही है जबकि मुझे वहां पर होना चाहिए। सब लोग मिलकर मुझे सहारा दे रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा। आपके तीन बेटे हैं और तीनों अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे विशाल से भी बात करनी है। उसने मुझे भी धोखा दे दिया। उस दिन जो कुछ भी प्रियंका ने कहा था वो सच है। और तो और उसने रितु को यहां भेजा है मंदिर का प्रसाद लेकर। आपके माथे पर जो टीका लगा है वो प्रियंका ही नहीं भेजा है। प्रियंका की दुआओं की वजह से आपकी तबीयत में सुधार आ रहा है। जया मैं इस नाम को सुनना तक नहीं चाहता और तुम्हें भी इन लोगों से हमदर्दी रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये खेल इन दोनों ने शुरू किया है लेकिन इसे अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा।